वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानेंगे कि लोहे की कढ़ाई को कैसे साफ़ करें, कैसे उसको मेंटेन करके रखें, क्योंकि कई बार होता है कि जब लोहे की कढ़ाई काली पड़ जाती है तो आप उसको साफ़ नहीं करवाते और वो काली दिखने लगती है, बहुत ही ख़राब दिखती है, और कभी कभी रस्टिंग की वजह से भी इसकी शक्ल बिगड़ जाती है। तो बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें मैंने आलू की भुजिया बनाई थी और हल्का सा पानी डाल के मैंने बस इसको इसके वेस्ट हटा लिए हैं। अब इसमें मैंने गैस ऑन कर दी है, इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा लिक्विड सोप। आप विम बार यूज़ करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, उसका थोड़ा सा पानी। अब ये जो नींबू है ये वेस्ट है, यूज़ करने के बाद मैं इनको ऐसे रख लेती हूँ ताकि क्लीनिंग के लिए ये यूज़ हो सके। तो ये वेस्ट का बहुत ही अच्छा सा यूज़ है, इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा फ्लेम कम कर लें ताकि हाथ आपका जले नहीं। बस जैसे ही ऑयल हटने लगता है ये क्लीन होने लगेगा। ये देखो, ये मेरी बिल्ली है जिससे कंटिन्यूअस अटेंशन चाहिए। ये क्लीन हो रहा है, दूसरा प्रोडक्ट वेस्ट। बिल्कुल ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, आप हल्के हल्के घुमाएं और ये खुद ब खुद स्टेन इसके क्लियर होते जाएंगे। इसमें मैंने पूरियाँ भी तली थी, उसके बाद मैंने इसे क्लीन नहीं किया था और उसी में फिर आलू की भुजिया बनाई थी। जब आप कोई भी तलने का काम करते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा हीट होता है और तले इस तरह से जल जाते हैं। जस्ट यू नीड टू थोड़ा सा पेशेंस। ज़्यादा गर्म होने लगे तो आप उंगलियों से ना पकड़े, हाथ जल सकता है। तो ये ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं ये जलने की वजह से हुआ है, इस पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। पानी से क्लीन करने के बाद अगर आपके पास स्टील वूल है तो बस उससे एक बार आप रगड़ दें। यहाँ भी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, एक दो बार की सफाई में ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ही क्लीन हो गया बिना किसी मेहनत के। एक बार क्लियर कर लिया है, उसको दोबारा एक और वेस्ट बचे हुए टुकड़े से मैं फिर से क्लीन कर दे रही हूँ। अब देखिए इसकी ब्लैकनेस भी चली गई, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है, हाथों पे जोर नहीं लगा है। शिकायत हमें यही रहती है कि बहुत जोर लगा के क्लीन करना पड़ता है, बट बिल्कुल जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस वॉश कर लेना है। कढ़ाई बिल्कुल क्लीन हो गई है और ये बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह काम करता है अगर आप इसको सीजन करके रख लेंगे। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे सीजन करना है। मैंने इसे स्टोव पे चढ़ा दिया है, इसका पानी हम लोग सूखने देंगे। आप इसे भीगा बिल्कुल ना रखें क्योंकि फिर इस पर रस्ट लग जाएगा। सूखने के बाद इसे एक बार हम लोग पोंछ लेंगे, गैस बंद कर दें और कोई भी ऑयल का एक दो ड्रॉप लेना है। और आपके पास टिश्यू पेपर है, कोई कपड़ा है साफ, या फिर बटर पेपर है तो उससे आप इसको इस तरह से पोंछते हैं। सबसे सस्ता नॉनस्टिक, ड्यूरेबल और हेल्दी। तो
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।